हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो हम एक सीपीयू डिजाइन करने वाले हैं, तो इस सीपीयू में जितना भी मेरे शीट में चल के कंपोनेंट होगा सारे डिजाइन करूंगा। कैसे फ्रेंड्स निकलेंगे, कैसे भी बेंडिंग होगा, अगर बेंडिंग होगा तो उसके दाई कैसे बनेंगे, पंचिंग टूल कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें में पंच होगा, इसकी ब्लैंक कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कहाँ पे लेजर कट होगा, तो हम सारे चीज़ें जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जिसमें भी प्लास्टिक पार्ट होगा, इसमें हम बॉस स्ट्रिप जो भी वगैरह है प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो टोटल जो ड्राइंग बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बनेंगे। तो वीडियो में सारा कुछ चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगे। अगर आपको फाइल चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, इस जो वीडियो होगा हम इसको तीन पार्ट में बनाएंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। और जो लोग को भी शीट में तुम्हें और मोल्ड डिजाइन वगैरह में ट्रेनिंग चाहिए, जो लोग को डाई मोल्ड वगैरह में ट्रेनिंग चाहिए, वो नीचे मेंशन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं, वो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। कोई भी डाउट क्वारी है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, जॉब वगैरह वैकेंसी वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक मैं स्केच लूँगा, तो स्केच कोई भी ले लेता, ऑफलाइन में लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद एक रेक्टेंगल लेना है, यहाँ रेक्टेंगल जो है सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल में आपको पहले आप चेक कर लेना आप कौन सी यूनिट में काम कर रहे हो। मैं ऑलरेडी एमए में काम कर रहा हूँ, तो इसको ऑफ कर लेता फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे मैं डायमेंशन डाल लेता हूँ। इसका डायमेंशन था मेरा कितने का था, ये आपके थे 335 का, 335 का है ना। और ये वाला था आपका 330, ठीक है। दोनों का हम लोग की डायमेंशन मैंने निकाल लिया। इसको जैसे हमने इसकी रेक्टेंगल निकाल लिए, उसके बाद आपकी क्या करना है, एग्जिट करना है। अब जाएंगे हम शीट मेटल पे, शीट मेटल में जाके बेस फ्लेंज। अब इसकी थिकनेस कितना है आपकी, पहली बात तो थिकनेस निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लोग थिकनेस जो है, हम थिकनेस निकालेंगे इसकी पहले। तो जो थिकनेस है बहुत पतली है ना, तो 0.5 का ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो एक मेरा पतला सा शीट यहाँ पे बन के आ गई। अब इसकी शीट से आपको देखना यह है, मेरा टॉप वाला पोर्शन ये था शीट का, जो भी मेरा हाथ पे शीट है। पहले हम ऊपर वाले कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में इसकी मैं ऊपर वाला कौन सी मान लूँ, अभी मेरा ये वाला ऊपर होगा आई गेस। तो आप अगर नहीं पता होता तो आप ऐसे क्लिक करके देख पाओगे, तो आपके ऊपर मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूज हो जाती है, तो हम इधर से, अगर आपको नीचे के डायरेक्शन लेना है तो हम ऊपर से लेंगे फ्लेंच, ठीक है। फ्लेंच लिया मैंने, तो मुझे लेना है नीचे के डायरेक्शन में ले जाना है, तो मैं नीचे के डायरेक्शन में ले गया। और जो मेरा बैंड रेडियस है, तो कितने एमएम जाना है अंदर, 10 एमएम का जाना है मुझे, ठीक है। 90 डिग्री में है, मुझे 10 एमएम ले जाना है, ठीक है। अब इसके बाद आप रेडियस देख लो, आपकी जो डिफॉल्ट रेडियस आ रहा है या 1 एमएम का आ रहा है ना, तो आप इसको 0.5 के आसपास ले जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको देखना ही है, बाकी सबकी रेडियस अलग अलग है, तो हमको इंडिविजुअल अलग अलग करना पड़ेगा। और आपको जब पहले ड्राइंग बनाती हो आपको ये देखना होता है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करूँगा, एट द एंड पॉइंट से। और पोजिशनिंग आप कहाँ से कर रहे हो, बिजली से कर रहे हो, सेक्शन से कर रहे हो, ये आपकी डायमेंशनिंग जो है ओवरऑल लेंथ ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे। अब देता ट्रेन बैन आउटसाइड करना ऑप्शन आता है, आपको ऑफसेट लगाना है तो ऑफसेट भी लगा सकते हो, यहाँ से कितने ऑफसेट लगाना है। तो हम जो है कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। तो आपकी ये बेंडिंग जो है हो गया अभी। अब उसके बाद जो आता है आपकी साइड में कितने एमएम का है, तो सबसे पहले मैंने इसको कर दिया, तो बोथ साइड से मेरा है, ठीक है, बोथ साइड से मेरा, ठीक है। तो मैं बोथ साइड से करूंगा, यहाँ पे छोटी सी कट है, तो कट कैसे बनाते हैं वो बता रहा मैं आपको। तो मैं यहाँ से जो है नीचे की तरह से मिल गया, यहाँ पे भी आपका 1 आ रहा है, तो हम इसको 0.55 के अप्रोक्स ले गया मैंने इसको, और इसका जो है 5 mm के आएंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी थोड़ा गैप है, ठीक है, वो गैप को आपको कंसीडर करके चलना है। अब गैप हम कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे काट लिया, यहाँ तो मेरा ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे आपकी वो जब जैसे आप इसको बेंडिंग करोगे वो ऑटोमेटिकली इसको ग्राइंडिंग वगैरह करके ठीक कर देंगे। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे साइड में मेरा कुछ मेरे पास शीट है, साइड में काट है, कितना मेरे को काट आउट है इसको अब मैं मेजर कर लेता हूँ। ये आपकी आ रहा है 15 mm का अप्रॉक्स, तो आपको साइड नीचे से 15 mm छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ोगे, अब जाना यहाँ पे, ठीक है, फिर आप जाओगे एडिट फीचर्स में जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जाना है यहाँ पे एडिट फ्लेंज प्रोफाइल में, ठीक है। तो जो फ्लेंज प्रोफाइल है आप कौन सी सिलेक्ट की हो, आपको सिलेक्ट करना है ऐसे इंडिविजुअली। तो अभी जो है ये वाला सिलेक्ट हो रखा है ना,
तो यहाँ पे जो आप ये सिलेक्ट किए हो ना, इसको आपको ड्रैग करना होगा लाइक इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दोगे साइड से, जो है यहाँ से जो है 15 mm डिस्टेंस पे रहेगा आपका। डन, फिनिश कर दो। तो जैसे फिनिश करोगे यहाँ देखो आप 15 mm डिस्टेंस पे वो चीजें आ जाएंगे। अब उसके बाद दूसरी वाली का काम करते हम, तो उस साइड में भी करना है आपको। एक साइड मैंने कर लिया था, अब दूसरा साइड में आप कैसे करोगे? सिमिलरली अब इसमें जाओगे, अब आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको ऐसे मैन्युअली सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके एडिट फ्रेंड्स कर दो, तब ये वाला एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लाइक इस तरीके से इसको आप आगे भी से करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है दोनों का डायमेंशन दे दो, पॉइंट टू पॉइंट 15 mm। डन, तो आपकी लाइक इस तरीके से आपकी वो बन जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपकी, जो अब अगर हम उसको घुमा के देखें, नीचे में नीचे नीचे का भी है ऑलमोस्ट, ये नीचे का आई थिंक कम आएंगे इसमें, 3 mm के अप्रॉक्स आ जाएंगे ये, क्योंकि नीचे जो है किसी जगह में जाके ही फिटिंग होने वाला है। तो आपको देखना है कितने एमएम का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके देख रहा हूँ, ये अप्रॉक्स आ रहा है 3 mm, 3 पॉइंट। इसमें मेरा जो मेरा कॉम्पोनेंट है उसमें कोटिंग भी होगा, तो मैं इसको 3 mm ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से नीचे की तरफ ले आना इसको, और इसको जो आपके रेडियस है 0.55 के, ठीक है, और यहाँ जो मेरा आ रहा है 3 mm का आएंगे। ठीक है, तो मैं एंडिंग से कर रहा हूँ। तो मेरा जो शीट है इसकी जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी चीज, अभी इसमें जो आपने बनाया है उसके नीचे से भी आपको अलग से स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको देख रहा हूँ कितने एमएम का आएंगे, ये ऑलमोस्ट आपके आएंगे वही 3 mm के स्ट्रक्चर आएंगे वो। ठीक है, तो हम जो है इसको थोड़ा घुमा लेंगे। ठीक है, जैसे दोस्त अगर ऐसे आपको घूम जाता है, आपको पता नहीं चला कौन सा मेरा टॉप था, तो आपको क्या करना, स्पेस दबाना है। ठीक है, स्पेस दबाने में आपको पता लग जाएगा आपका हाउस कौन सी है, ये वाला फ्रंट व्यू आपकी। ठीक है ना, तो नहीं तो आपको यहाँ पे जाके इसकी टॉप व्यू, जैसे आपने टॉप व्यू में स्केच बनाया था, तो आप ऐसे टॉप व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको व्यू पता लग जाएगा कि आप कौन से व्यू में हो। ठीक है, तो मेरा पता लग गया, मेरा इसमें काम करने है मुझे, क्योंकि मेरा टॉप पर्सन था ये वाला। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे काम करना है। देखो दोस्तों, यहाँ से भी आपकी कुछ एमएम डिस्टेंस में है ना, तो अप्रोक्स कितना एमएम डिस्टेंस आपको निकालना है, अप्रोक्स 5 mm के डिस्टेंस में ही है, तो हम इसको भी 5 mm अप्रोक्स डिस्टेंस में ले जाएंगे, एडिट फीचर्स में ले जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको समझा के बना रहा हूँ, थोड़ा वीडियो में टाइम लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको डिलीट कर दो आप डायमेंशन को, यहाँ से इसकी और इसकी बीच की डायमेंशन 5 mm कर दो। सिमिलरली इस साइड का भी करना है आपको, इसको भी आप हटा दो, अब यहाँ से यहाँ तक आप डायमेंशन 5 mm कर दो। ठीक है, तो 5 mm का हमने इसको काट दिया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो कॉर्नर वो बन रहा है, इसको आप कैसे हटा सकते हो, इसको हटाने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पे तो जैसे कब से इसको बैंड करोगे तो वहां पे आपको रेडियस आएंगे, तो यहाँ पे आते कस्टम रिलीफ का ऑप्शन आता है आपकी। ठीक है, तो कौन सी रिलीफ डालना चाहते हो, रेक्टेंगुलर, ऑब राउंड? देखो ऑब राउंड में कैसे बनती है, राउंड ऑब्जेक्ट से बन जाती है, रेक्टेंगल में देखो ये राउंड बन के बन जाती है ऑब राउंड में। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी टीयर। ठीक है, टीयर में भी आपको जैसा है वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कॉर्नर वो करना चाहते हो, ये कॉर्नर तक कनेक्ट कर देता है और ये वहीं पे खत्म हो जाती है, जो आपको चाहिए वहां पे आप डाल सकते हो, ये आपकी डायरेक्ट फ्लैट हो जाएंगे, वहां से बैंड हो जाएंगे, तो आपको जैसा परफॉर्मेंस चाहिए आप ऐसे सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना सीक्वेंस वगैरह है, तो मैं सिंपली यहाँ सिलेक्ट करके इसको मैं रेक्टेंगल ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी सबके मैं रेक्टेंगल रखा हूँ। तो लास्ट जो चीज है यहाँ पे 3 mm का फिर से आपको बनाना है। इसको आप 0.5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 mm का कितना लेंथ है, 3 mm ही है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए ओके कर दे रहा हूँ।
ठीक है। तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे अभी के लिए, क्योंकि जब भी ड्राइंग बनाऊँ कुछ कुछ सेकंड में आपको सेव करना ही होता है। तो अभी जो मेरा ये कंपोनेंट चल रहा है ये सीपीयू का है, तो सीपीयू में सेव कर लेता हूँ। और जो मेरा ये कवर है, जो मेरा ये कवर है सीपीयू की, ये है मेरा साइड कवर, साइड कवर 1 या 2, 1 कर देता हूं मैं, या लेफ्ट राइट लिख देना आप, या लेफ्ट राइट। तो ठीक है, तो मेरा ये कंपोनेंट जो है यहाँ सेव हो गई। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना है साइड में आपकी है कि नहीं। जी हाँ, मेरे साइड में भी है ना। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने 5 mm बनाया था, और एक साइड में कितना बनाना था, एक साइड में 5 बनेगा और एक साइड में आपकी कम बनेंगे, ठीक है। इससे इस साइड मैंने 5 बनाया था। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 mm बनाया था, बट यहाँ पे आपकी 5 नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दोनों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक को हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि 5 आपको नहीं करना था। तो कैसे हटाओगे, सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर दो, ये हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसके आ गई थी, अब इसको भी आपको 3 mm का करना है। और यहाँ पे 3 mm। अब देखना ये है लेफ्ट साइड में 3 था कि राइट साइड में 3 था, ठीक है। तो मेरा जो राइट साइड है वो 3 mm का, तो ये मेरा राइट साइड ही है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर सारा गड़बड़ी हो जाएगी। तो मेरा ये सही है, ठीक है, 3 mm का है, 0.55 का है, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे साइड से 15 mm का गैप छोड़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक ही प्रोफाइल है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके 15 इधर साइड से, फिर आपकी 15 उस साइड से, डायमेंशन को हटा दो अभी के लिए। ठीक है, तो इसको मैं फिनिश कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये आपकी शीट का वो बन गया है। अब इसमें थोड़ी सी जो है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ये है, यहाँ से आपकी दोनों तरफ से स्ट्रेट आएंगे 3-3 mm का अप्रॉक्स। तो यहाँ पे भी 3-3 mm करूंगा, फिर इसमें स्टाम्पिंग करना पड़ेगा मुझे। स्टाम्पिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ से मैंने फिर ये पकड़ा, इस साइड डाल दिया इसको, इस सिमिलरली इधर भी आपने, मैंने हमेशा अगर आपको अंदर करना है तो आप बाहर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0.55 का डाल दिया, मैंने 3 mm का डाल दिया, दोनों से 3 mm है, ठीक है, ठीक है। ये 3 mm का बन गया है। अब दूसरी चीज लास्ट में क्या आ रहा है, मेरा लास्ट में आ रहा है जो मेरा लेफ्ट साइड है, जो मेरा राइट साइड है, वहां से अलग से एक फ्लैंज निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं 2 mm करूंगा, ऑलमोस्ट 2 mm का आ रहा है ये, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट राइट साइड कौन सी हो जाएगी, ये मेरा राइट साइड हो जाएगी। तो मुझे इस साइड में बनाना है, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में आएंगे, नीचे की डायरेक्शन में आएंगे। तो नीचे की डायरेक्शन के लिए हम ये वाला फ्लैंज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन उल्टा आएंगे तो आपको इस डायरेक्शन में ले आना है, जैसे जूम करना है थोड़ा, कितने में आएंगे, 2 mm के अप्रोक्स आएंगे ये। जैसे जब देख पा रहे हो मेरा अभी इसके काम हो गया है ना। जब भी शीट मेटल में काम करो, जैसे आपकी पूरी काम हो जाता है, तो इसको आप एक बार अनबेंड करके देख लिया करो। अनबेंड कैसे करोगे, फ्लैटन करके एक बार देख लो फ्लैटन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो आपकी लेजर में फाइल काटेंगी वो आपकी फ्लैटन में काटेंगे। तो आपकी अगर फ्लैटन नहीं हो पाती है तो आपकी जो इसकी ड्राफ्टिंग फाइल नहीं बना पाओगे, लेजर में काट नहीं कर पाओगे। तो देखना यह है ये आपकी फ्लैटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर बिना फ्लैटन किए आप इसकी नेस्टिंग फाइल नहीं बना पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं अनफ्लैटन कर देता हूँ अभी के लिए। अब दोस्तों इसमें काम क्या करना है, मुझे इसकी डाई बनवानी है, जो उसके ऊपर मेरा स्टम्पिंग होगा ना, स्टाम्प टूल बनाना है। मैं अभी आपको मैं स्टाम्प टूल बनाना बताता हूँ। तो स्टाम्प टूल कैसे बनाते हैं, अभी इसको मैं अभी यहाँ तक सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी जो है हमने स्टाम्प टूल बनाना था, तो मैंने स्टाम्प टूल जो यहाँ बना चुका हूँ,
ठीक है। तो स्टाम टूल जब आप फॉर्म टूल बनाओगे, इसको मैं एक तरीका बता देता हूँ क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ऐसे इसको तो बनाना बना ही लोगे, कैसे बनाना है ठीक है, सिंपल मैंने बॉस वगैरह यूज करके बना लिया हो। उसके बाद आपको स्टेम टूल में जाना है। स्टेम टूल में देखो स्टॉपिंग फेस कौन सी है, स्टॉपिंग फेस मतलब ये वाला फेस मुझे टच करना है, तभी मेरा ये शेप जो है शीट में आएंगे ठीक है। तो मेरे पास जैसा मेजरमेंट था मैंने उसके हिसाब से बना लिया, मैं फिर जो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ इस हिसाब से मैंने इसको दिखाया नहीं आपको। तो स्टॉपिंग फेस मेरा ये हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला फेस की शेप आ जाएंगे। फेस टू रिमूव तभी सिलेक्ट करना है जहां इसको कट करना होता है, तो इसमें मेरा कट नहीं होगा, बस यहाँ मेरा थोड़ा पांच होंगे, यहाँ पे थोड़ी पांच आएंगे तो डाई की शेप में आएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको ओके करना है, तो आपकी ऑटोमेटिक शेप आना है। फिर आपको इसको शेप करना है, सेव एस, यहाँ पे जब अब शेप करोगे तो यहाँ पे फॉर्म टूल में शेप करना है ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी शेप कर लिया हो, तो मैं दूसरी ड्रॉइंग पे जा रहा हूँ ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, अब मैं दोस्तों इसको क्या करना है, जैसे मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी है नहीं ठीक है, मैंने डाला नहीं था, अब मैं लाइब्रेरी डालूंगा लंबा हो जाएंगे। मैं आपको दूसरी तरीका दिखाता हूँ कैसे बिना लाइब्रेरी का इंपोर्ट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे वो कर दिया, अब स्टाम्प टूल में गया, फिर इसको मैं यहाँ पे स्टैम्प टूल को ड्रैग कर दिया ठीक है। तो मैं इसको दो बार क्लिक कर बड़ा कर दिया। अब दोस्तों देखना ये है कि आपका जो कंपोनेंट है, फिर आपको पोजिशनिंग में जाना है, फिर आपको डायमेंशनिंग करना है, पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशनिंग करो आप। तो इसको मैं जीरो कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी ठीक है। तो उसके बाद जो है दोनों को हम जीरो कर देंगे ठीक है। तो उसके बाद जो है हम इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैंने ओके कर दिया। फिर टाइप में जाओ, इसको आप फ्लिप करने के लिए इसको आप 180 डिग्री फ्लिप कर दो। तो लाइक इस तरीके मैंने ऑलरेडी पहले इसको डायमेंशनिंग करके रखा था, जो लाइन लिया था कितने एमएम नीचे है मैंने मेजरमेंट करके रखा था। तो मैं इसको ओके, देखो जैसे मैंने इसमें ओके करूंगा तो मेरा ये फॉर्म टूल का शेप जो है बन गया है। अब दोस्तों इसमें मैंने रेडियस नहीं लिया था, तो आप पूछोगे इसमें थोड़ा रेडियस होना चाहिए, जैसे आप पंचिंग करते हो ना तो ऑटोमेटिक इसमें रेडियस थोड़ा बन के आती है, तो मैंने इसको इसलिए रेडियस नहीं डाला। अगर आपको डालना होगा तो आप डाल भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो लाइक इस तरीके से मेरा आप इसकी शेप दे सकते हो, लाइक यहाँ पे देख पाओगे, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आप इस शेप दे सकते हो और ठीक है। तो ये था मेरा पहला कंपोनेंट, तो मैंने इसको रिबिल टेंट सेव कर दिया मैंने इसको। तो इस तरीके से आप स्टाम्प टूल वगैरह लगा सकते हो शीट मेटल पे ठीक है। अब इसमें अब बस इसमें दो होल रह गई है, अब होल कर देते हैं हम। जो होल्ड है टॉप साइड से है, तो इसमें सेंटर पे है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्सट्रूड कार्ड भी यूज कर सकते हो, तो सिंपल बेसिक एक्सट्रूड कार्ड यूज करो। जब भी आप शीट मेटल का यूज करो तो ये फालतू का ये जब यहाँ पे जाकर कमांड यूज मत करना सरफेस वर्वेस की, तो आपकी ये जो अनबेंड करते हो ना वो कमांड नहीं हो पाएंगे। तो सिमिलरली तो मैंने यहाँ की इसके सेंटर निकाल लिया, पहले यहाँ पे सेंटर आ गई, तो मेरा जो 5 mm की होल है ये, और सेंटर से मेरा डिस्टेंस है 45 mm डिस्टेंस में है। तो मैंने जो है यहाँ पे 45 mm की मुझे 45 mm डिस्टेंस पे मैंने होल को ले लिया। सिमिलरली इसको मैं अभी मिरर कर दूंगा, ध्यान रखना जब भी करोगे तो ये लाइन स्ट्रेट आए, अदरवाइज आपकी जो है ये गड़बड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने मिरर कर दिया, अब इसके बाद मैं इसको कट कर दूंगा लाइक कुछ इस तरीके से, ये आपकी कट हो जाएंगे ठीक है। तो ये था आपकी पहली साइड कंपोनेंट ठीक है, जो इसमें लगेंगे। और बाकी का मैं अभी बाकी का पार्ट अभी स्टार्ट करूंगा, ये वाला आपकी फिनिश हो गए पहले वाला कंपोनेंट, तो इसको हम सेव कर लेते हैं ठीक है। तो फास्ट जो मेरा पार्ट है खत्म हो गया ठीक है। तो पहला पार्ट बन गया है मुझे, अभी जो मेरा मेरा जो लेफ्ट साइड है वो बन चुका है। अब राइट साइड में क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ जैसे एयर वेंटिलेशन के लिए कुछ कुछ होल्स है, कुछ अलग सी डाइज है, और एक एक पार्ट में थोड़ी सी चेंजेस है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, जो मेरा पहला केस है, जैसे मेरा ये सीपीयू का पहला केस है, तो इसको ही मैं कॉपी कर लूंगा, जो मेरा लेफ्ट साइड है इसको मैं कॉपी कर दिया। अब जो मेरा कॉपी है इसको मैं राइट साइड लिख दूंगा पहले, तो फिर उसके बाद मैं माइनस का चेंजेस करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब जो मेरा पहला का दोनों है उसको मैं अभी कट दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपडेट होने की चांस रहता है, तो कट तो शेप कर दो इसको ठीक है।
तो ये जो सॉलिड डॉक्यूमेंट स्टैम्प टूल बना है इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्टैम्प टूल ओनली स्टैम्प टूल फाइल में चाहिए जो आपकी टीपी फाइल में आती है लास्ट में। तो मेरा अभी राइट में काम करना है, लेफ्ट हो गई, मेरा राइट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों एक सेंस क्या करना है, सेंस ये करना है जो मेरा इस लेफ्ट साइड में था, तो मेरा इस साइड में है, सॉरी इस साइड में जो है यहाँ पे अलग सा फ्लैंज बन के आ रहा है, जो फ्लैंज जो इसमें नहीं चाहिए, तो इस फ्लैंज को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे पहली, तो इसको पहले रिमूव कर देना आपको, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट कितने लेंथ का आ रहा था, यहाँ पे देख पाओगे 3 mm का है, तो इसको थोड़ा लेंथ कम था इसकी, तो इसको हम 2 mm कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको आप अपडेट कर दो यहाँ से, तो इसको मैंने अपडेट कर दिया, जो भी आप चेंजेस करोगे वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसमें कुछ कुछ होल्स है जो हमको होल्स करना है, ठीक है। तो अभी हम होल बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा पेंसिलेशन के लिए, तो हम मैं यहाँ पे स्केच ले लिया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल कर दिया, तो यहाँ पे मुझे होल बनवानी है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल का मुझे था 4 का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम इसकी सेंटर लगा लेंगे यहाँ से, जो यहाँ से था मेरा 45 mm की थे ऑलमोस्ट, और जो साइड से है, साइड से आपकी 35 में है। अब जो अभी मुझे एरे लगाना है यहाँ पे, ठीक है, एरे लगाना है दोनों की आपस में जो बीच में डिस्टेंस है, मैं एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो अभी आपस में आ रहे 7 mm पे अप्रोक्स, तो इसके 10 mm की जगह आपको 7 mm लाना है, ठीक है। और इसमें टोटल जो होल है 8 होल है, ठीक है। तो 8 के लिए हम 8 कर देते हैं, और जो डायरेक्शन 2 है इसमें भी आपकी डायरेक्शन 2 ऑन करना पड़ेगा आपको, इसमें 1 के जगह इसमें भी कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगा, और इसके जो स्पेस है 10 mm की जगह 7 mm आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ओके कर देते हैं, सॉरी मैंने सिलेक्ट किया ही नहीं था, सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एंटिटी सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ सिलेक्ट कर दो 7 mm की, और इसमें आ जाएंगे आपका 8 का, और नीचे आ जाएंगे आपकी 18 का, ठीक है। अब इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दो आप, इसमें जो लेंथ हो जाएगी 7 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर दिया गया, अब यहाँ पे इसको सिंपली एक्सट्रूड काट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी जैसे आप एक्सट्रूड काट करते हो, जैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आते हैं आप एक्सट्रूड करवा दी, तो स्केच एक स्केच को सिलेक्ट कर लो, फिर जितना एमएम है आप उसके हिसाब से आप इसको एक्सट्रूड काट कर दो। तो लाइक इस तरीके से आपकी शीट की जो है बन गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस जो कंपोनेंट है इसमें थोड़ी सी चेंजेज है, तो इसके मैं आपको स्टैम्प टूल बनाना बताता हूँ, इसमें एक साथ कार्डिंग करेंगे, जैसे कार्ड वाले ऑब्जेक्ट में आप क्या करोगे वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए हम नया स्टैम्प टूल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम स्केच लेंगे एक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिया, ड्रॉइंग बनाते हैं इसका हम, एक पहले इसकी साइज का एक बनाते हैं, अब इसका पहले साइज देख लेते हैं, साइज कितने का। अभी सबसे पहले मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, इस ब्लॉक में इसको मैं कर दे रहा हूँ 120 का, ठीक है, जो एज ए स्टॉपिंग फेस काम करेंगे इसमें, 120 का मैंने एक ब्लॉक बना दिया जो मेरा स्टॉपिंग फेस काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पहले एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये स्टॉपिंग फेस वाला बन गया है। अब उसके बाद जो आपकी फेस है इसमें आप स्केच ले लो, ठीक है, इसको कंट्रोल एड कर दो आप। उसके बाद जो आपकी सेंटर से जो है 85 का एक रेक्टेंगल है, जो मैं इसको सेंटर रेक्टेंगल बना दूंगा, ठीक है, 85 टैब दबा के 85 पे डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो ये रेक्टेंगल है तो इसको मैं एज ए सेंट्रल लाइन काउंट करूंगा, ठीक है, इसको मैं 85 कर देता हूँ। तो एज ए सेंट्रल लाइन काउंट करूंगा तो मुझे ऐसे बाउंड्री काम करेंगे ये, ठीक है, ठीक है, एज ए बाउंड्री मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरी चीज है ये बनेगा कैसे ना, तो यहाँ पे मुझे होल बनवानी है, और 7 mm की होली जो होली है, अब कितना होल है
हम ये देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जो है मैं एक होल बना दे रहा हूँ, ये आपकी 4 mm की है डायमीटर में, और ये अप्रोक्स आपका एरे लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इसमें जो है 7 mm के आएंगे, ठीक है, टोटल जो है आपकी, ठीक है, इतना साइज का आ रहा है, टोटल 13 आ रहा है। और उसके बाद भी जो डायरेक्शन 2 है इसमें भी आपको 13 आएंगे, और इसको रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 ज़्यादा आ रहा है, आपको कम करना पड़ेगा, 13 ही आएंगे, बस इसमें डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा आपको। 7 mm का कर लो और 13 का कर दो आप, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आपकी एक काम बढ़ जाती है, यहाँ पे जो ये जो होल है कितने mm का आप करना चाहते हो, और इसमें ऊपर एक डाई के शेप है, तो डाई के शेप के लिए हम इसके लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं। लेंथ जो रहेगा आपकी 1.5 mm का अप्रॉक्स है। अब इसको मैं सबसे पहले जो है अभी इसको एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड करने से पहले हम इसमें एक काम करेंगे, ठीक है। तो काम ये रहेगा, ऊपर का दो दो होल को मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा पहले तो, ठीक है। तो पहले जो है इसको मुझे ट्रिम करना है, ट्रिम करने के लिए मैं दोनों को ट्रिम कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया है सारे, क्योंकि मैं इसको अब एरे करना था इसलिए आपको दिखा नहीं रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो इसके रेडियस जो है 13 का है, डायमीटर जो है 13 का है, ठीक है। और इसको जो है डायमेंशनिंग कर दूंगा मैं साइड से, ठीक है। डायमेंशनिंग जो है आपको करना है यहाँ से, डायमेंशनिंग जो है इसको मैं 5 की जगह इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी इसको मैं 3 कर दिया हूँ। फिर यहाँ से भी आपको थोड़ा सा ये जैसे एरे लगाते हैं बहुत सारे, थोड़ा सा आपकी स्लो हो जाती है सिस्टम, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो स्केच मेरा बन गया है, तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। इस केस में हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सट्रूड करूंगा। अब यहाँ पे आप पार्टिकुलर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ओनली सेट सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अब कितने एमएम का करना है आपको, यहाँ पे मैं आपको 2 mm का करना है, 2 है ही, 1.5 का है, 1.5 mm का करना है। और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रोल सिलेक्ट करने का करना पड़ेगा फिर, है ना, जैसे आप स्केच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो फिर आपको कॉन्ट्रोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक इस तरीके से मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, जैसे यहाँ पे मेरा 3D बन गया है, तो मैंने डब वब लगा दिया, यहाँ पे हिस्ट्री देख पाओगे आप। अब इसकी जो है मुझे वो बनानी है, क्या बोलते हो इसकी, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अब मुझे इसके फॉर्म टूल बनाना है। फॉर्म टूल बनाने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉपिंग फेस ये वाला होगा, इसमें रहेंगे, और जो फेस टू रिमूव कौन सी करना है वो आपको सिलेक्ट करना है मैनुअली एक एक करके, अगर दोनों एक साथ बनाना चाहते हो। अगर आप एक टूट काट कर दो उसके बाद इसको अलग से बनाओ तो आपको जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, एक साथ बना के आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको अभी के लिए पॉज कर देता हूँ, जैसे हो जाएंगे आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। ये स्टॉपिंग फेस बन गया है मेरा, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब जो है सेव एज करना है फॉर्म टूल में, तो यहाँ पे आप लिख दो इसकी स्टेम, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो ये चेंज हो जाएंगे, टूल टू, और ये जो है आपको इसको स्टेम टूल में फिर से कर दो, ठीक है, सेव कर दो यहाँ पे। वैसे मेरा सेव हो जाएंगे, फिर मैं इसके बाद ये वाली फाइल को ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे इसकी लोकेशन देखना है मुझे, किस लोकेशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले ये ऑन टू डेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसको मैं छोटा वाला कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो स्टेम टूल टू है इसको आपको ले आना है इधर पे, तो क्लिक करके यहाँ आप ले आओ, कॉपी कर दो, ठीक है। उसके बाद इसको मैं डायमेंशनिंग करना है, डायमेंशनिंग करने के लिए आप पोजिशन पे जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको डायमेंशन ऑन कर लो, फिर आप देखो कितने एम एम डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो था मेरा अप्रॉक्स 130 के अप्रॉक्स है, ये हम डाल लेते हैं इसमें, ठीक। और यहाँ से ऑलमोस्ट जो है साइड से, जो है साइड से आपकी 200 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तब जैसे मेरा हो जाता है इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है, आपको इसको डन कर दो यहाँ पे,
उसके बाद आप देख पाओगे ये फॉर्मिंग टूल की आपकी शेप आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप दोनों तरीके से आप यूज बना सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है जैसे आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे देखो आप जो फॉर्मिंग टूल है यहाँ पे जो आप स्टॉपिंग फेस सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पे ये वाले शेप भी बन के आएंगे, तो इसको आपको अलग से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो वैसे भी बना सकते हो, आपकी दोनों मर्जी है। ठीक है, तो इसको हम अलग से इसको काट देंगे। तो मैंने इस वीडियो में दोनों तरीका आपको दिखा दिया हूँ। इसको फिलहाल के लिए मुझे स्केच लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो है रेक्टेंगल ले रहा हूँ, सेंटर रेक्टेंगल कॉर्नर रेक्टेंगल लूंगा मैं। देखना यहाँ पे है आपकी प्लान कहाँ पे हो, ऑलरेडी मेरा प्लान गलत हो गई, तो यहाँ पे मैं स्केच लूंगा इस फेस के ऊपर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्केच लेके मैं रेक्टेंगल लेना है, इसको पहले कंट्रोल कर दो, आप इसको जो है आप काट कर दो, एक्सट्रूड काट कर दो। ठीक, तो आप एक्सट्रूड काट जो है किस डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में काटना है आपको, 3 mm के एक्सट्रूड कट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऊपर का जो था आपके हट गई है, अब ये आपकी ये रहेगी, इसको भी हटाना है आपको। इसको हटाने के लिए हम अभी जो है स्केच लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपको तरीका बता दिया वो कैसे करना है आपको। यहाँ पे भी मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, फिर इसको मैं ट्रिम कर दूंगा यहाँ पे कॉर्नर पे रेक्टेंगल बना के फिर। ठीक है, अब इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए दोबारा एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ड्रैग कर लो नीचे के डायरेक्शन में कि इंटरसेक्ट ना हो, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसको जो है हम ट्रिम कर देंगे ऐसे। ठीक है, सिमिलरली आपको इस तरफ भी बना दो, जो मैंने आपको तरीका बताया हो पहली वाले तरीका से आप बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे भी अपने पैनल बना लो। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो। ठीक है, तो इसको आप ट्रिम कर दो। इसको आप अलग अलग करते तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो है इसको स्केच से एग्जिट कर दिया मैंने, अब इसको एक्सट्रूड कट कर दूंगा यहाँ पे, है ना। तो इसको जो है हम एक्सट्रूड अभी काट कर देंगे। तो यहाँ जाओ आप 3 mm की जो प्रेस करके डायरेक्शन देख लो, उल्टा डायरेक्शन में है, उसको एक्सट्रूड काट कर दो। तो ये आपकी फ्लैट हो गई। ठीक है, तो आप देख पाओगे अब आपकी सब ठीक है, इसको आप सेव कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैंपल वगैरह लगा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे बोल्टिंग वगैरह करना होता है, जो मेरा इसके अंदर रैम वगैरह रहती है, जो फैन पंखा रहती है, तो हम उसको बोल्टिंग करने के लिए तो हम इसको ऐसे इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने इसको बताया, एक एक करके जैसे हम इस सारे को अलग अलग किया, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसको आप रेक्टेंगल लगा के आपने एक्सट्रूड काट कर दिए, आप इसको अपने सारे वर्क एक साथ बना सकते हो। ठीक है, फिर आपको इसमें दिक्कत क्या होता है, अगर आप सिंगल बनाओगे तो अब इसको आप पोजिशनिंग करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया। बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो मेरा दूसरा पार्ट भी हो गया, तो मैं इस पार्ट को सेव कर दे रहा हूँ, तो मेरा दोनों कंपोनेंट हो गए। ठीक है, सो नाउ यू आर गोइंग टू प्लास्टिक कवर, जो इसमें आगे का प्लास्टिक कवर लगता है हम वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले स्केच ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्केच में जो मैं टॉप लाइन ले लिया, अभी मैंने कुछ कुछ डायमेंशन में मैन्युअली करूंगा यहाँ पे, तो स्केच में इसको मैं पॉज कर दूंगा। तो सबसे पहला जो है ये आपकी 34.45 आ जाएंगे, और ये जो होंगे आपके, इसको मैं करूंगा अप्रोक्सीमेट 170 mm का है ये, तो हम इसको 170 mm का सॉरी
170 mm यार नमलॉक ऑफ हो गया मेरा। 170 mm का मैंने ये बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है 30 mm की एक्सट्रूड करना है। जो है मैंने एक्सट्रूड यहां से कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे कुछ कुछ चेंजेस है, आगे क्या सॉफ्टवेयर चेंजेस रहेंगे वो भी हम करेंगे इस केस में, ठीक है। तो मैं यहां से एक प्लान लूंगा, उस प्लान के हिसाब से मैं ये लूंगा, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से एक प्लान ले रहा हूं, थोड़ा शेप में चेंजेस है तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इसको, ठीक है। तो मैं इसका प्लान ले लिया, 140 mm नीचे फ्लिप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको यहाँ पे स्केच ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना चाहता हूँ, और ये जो स्केच है इसको मैंने कन्वर्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक आर्क ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर्क में रेडियस नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं आर्क की जो सेंटर पॉइंट है उससे मैं इसकी डिस्टेंस लूंगा, ऑलमोस्ट ये मेरा 5 mm तक आगे रहेगा। अब जो है मैं इसको फिलहाल के लिए एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ नीचे के डायरेक्शन में, यहां मैं इसको थ्रू ऑल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको थ्रू ऑल करके मैंने इसको यूनिट कर दिया। अब जो मेरा प्लान है इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा यहाँ बन गया है। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, इसमें आपके ड्राफ्ट चाहिए, जैसे जितना भी प्लास्टिक पार्ट बनाते हो इसमें आप हाफ से लेके 3 डिग्री तक ड्राफ्ट होना चाहिए। तो मेरा स्टेशनरी प्लेट ये रहेगा, और जो मेरा ड्राफ्ट फेसेस रहेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द बेस एजेस। तो यार मैं यहाँ पे जो है 1 mm का ड्राफ्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ड्राफ्ट देखो बाहर की तरफ से लगे, तो मुझे रिवर्स ड्राफ्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे डायरेक्शन में अंदर की तरफ करूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे ड्राफ्ट हो गई सारा तरफ मुझे, ओके। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हर जगह में मेरा फिलेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एजेस में फिलेट लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे फिलेट लगा रहा हूं, मैं एज फिलेट लगाऊंगा, हाँ मैं देखता हूँ 10 mm कितना कितने में कितना कैसे फिलेट कितना आ रहा है, ठीक है। इतने मेरे लिए ओके है, ठीक। तो दोस्तों इसमें अभी नेक्स्ट जो मेरा काम रह गया है, तो इसमें जो ब्रांडिंग होती है, ठीक है, जो अलग से निकल के आती है वो सब मैं बनाऊंगा इसमें, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनाते हैं, और पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको सेल कर दूंगा मैं इस फेस से। थिकनेस मुझे 2 mm की थिकनेस है, ठीक है। तो मुझे 2 mm के थिकनेस के हिसाब से मैंने इसको सेल कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी जो है इसमें मुझे चुचेज वगैरह के लिए लगाना है, रिब मुझे बॉस वगैरह बनाना है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से रिब बॉस वगैरह बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी मेरा जो चुचेज के लिए जगह है मैं उसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं स्केच ले रहा हूँ सिंपली, तो मैंने यहाँ स्केच ले लिया, कंट्रोल कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरा जो स्विच का साइज है मैं स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। मैं जब मेरा बन जाएगी मैं आपको डायमेंशनिंग वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब स्केच देख सकते हो, जिसको बनाना है देख देख के बना रहा है, आप स्केच देख के बना सकते हो, सब कुछ पॉज कर लेना फिर वीडियो को बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से एग्जिट कर दिया, अब इसको मैं सिंपली एक्सट्रूड कट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं एक्सट्रूड कट कर दिया, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैंने इसको ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पे एक्सट्रूड कट कर दिया। तो ये जो मेरा है जो मेरा पहला वाला है तो ये यूएसबी के लिए है, ठीक है। दूसरा वाला आपकी माइक्रोफोन के लिए है, माइक्रोफोन की आपका जगह हेडफोन के लिए वगैरह अलग से लगा, ये भी आपका यूएसबी आ जाएंगे। ये एलईडी इंडिकेटर है, दोनों एलईडी इंडिकेटर आएंगे, ये आपकी कंट्रोल स्विच होगी और ये आपकी मेन ऑन ऑफ स्विच होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करना बाकी है थोड़ा, हम वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे स्केच लूंगा, ठीक है, कंट्रोल कर दिया। तो मैंने पहले स्केच बना लेता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ मैं इसको आपको कैसे बनाता है ना।
मैं स्केच सिलेक्ट करके कॉन्फिडेंस एंट्री कर लिया, दो स्केच लेना है, मैंने पहले स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट करके अगली तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, ऑलमोस्ट मैंने इसको एक्सट्रूड कर दूंगा 27 के आसपास, 20 भी नहीं करूंगा, 15 करूंगा। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मुझे अलग से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्विच आ जाएंगे कुछ, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैं स्केच ले रहा हूँ, फिर मैंने कंट्रोल ए कर दिया। तो यहाँ पे मुझे अलग से उसकी फिटिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ जो हमेशा गलती होती है कभी कभी मामले में। जैसे मैं स्केच को, मैंने यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करने जाता हूँ तो यहाँ पे जीरो थिकनेस ज्योमेट्री शो करता है। तो इस केस में अगर आप मास्क डिजाइन को ऑफ करोगे तो ये तो 5 mm की थिकनेस हो जाएगा आपका, बट ये एक्चुअली क्या, एक यूनिट बॉडी काउंट नहीं होगा, ये अलग अलग बॉडी हो जाएगी। ये आपकी अलग बॉडी होगी, आपकी बाकी सब एक अलग बॉडी हो गई, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको तो मुझे यूनिट करना है, तो इस केस लिए हम या इसकी जो स्केच है थोड़ा आपको एडिट करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, जो इसकी एज है, इसकी एज जो है, जब दोनों एक साथ टेंजेंट रहते हो, जो टेंजेंट होता है तब ये प्रॉब्लम आता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस जो स्केच से मेरा स्केच की जो टेंजेंट है मैं उसको हटा दूंगा और यहाँ से मैं डायमेंशन करके इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाऊंगा, लाइक लेट्स से 0.9 का कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा ऊपर चले जाएगा। तो इस केस में आप इसको एज ए यूनियन बॉडी काउंट कर पाओगे, जैसे लाइक मैं यहाँ पे अगर मास को भी ऑन कर दूंगा, दोनों एक बॉडी काउंट हो जाएगी। अब देख पा रहे हो अभी यूनियन हो गई। तो ऐसे केस में आपको ऐसे डील करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा बन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं ब्लेंड लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी इसकी 3 पार्ट हो गई, 2 पार्ट बनाना बाकी है, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको पॉज करके दिखा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो मेरा यहाँ पे लग गया है, तो मैं यहाँ पे ड्राफ्ट लगाना भी मुझे बहुत जरूरी है, तो हर केस में मैं यहाँ पे भी थोड़ा ड्राफ्ट लगा दूंगा। मैं इस केस में यहाँ पे मैं 0.5 का मैं ड्राफ्ट लगा लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर चीज को आपको ड्राफ्ट लगा के बनाना है। तो ये है मेरा बन गया है चूज की जो मेरा पैनल है, तो यहाँ पे स्विच वगैरह मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट चीज है, मुझे ऊपर का जो मेरा सीधी रैम है, ठीक है, उसको बनाने के लिए मुझे स्लॉट काटना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने मेरा डायमीटर में है, इसमें अलग से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जुड़ी रहिए। मैं यहाँ पे पहले स्केच ले लूंगा, Ctrl+8 कर देता हूँ, मैं पहले स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे स्केच बना लिया है, अब मैं इसको एक्सट्रूड कट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कट कर दिया है, ठीक है। तो ऊपर का मैंने एक सीधी रोम का होगा और ऊपर का जो एक आएगा मुझे अलग से एक ड्राइव के लिए आएंगे, और यहाँ पे हम ब्रांडिंग की वो लगाएंगे। तो दोस्तों अभी मेन पार्ट बाकी है, अंदर रिप बिप का काम बाकी है, तो वो भी करेंगे हम। तो मैं सबसे पहले जो है इसकी जो इंटरनल जो रिप्स आती है इसको सपोर्ट के लिए हम एक वो लगाएंगे, वो बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे पहले स्केच ले लेता हूँ, जिसको भी बनाना है वो वीडियो को पॉज कर ले, जहाँ डायमेंशन में हर जगह में शो किया हो वो शो करके अपने हिसाब से बना सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्केच बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल में जो मुझे इसकी जो ऊपर की तरह सपोर्ट रिप बनानी है, तो यहाँ पे कट है, ठीक है। तो इस एरिया को हमें कट करना है, तो मैं यहाँ पे स्केच से एग्जिट करा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करा, यहाँ आया मैं, तो एक ऑप्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रोल। तो सबसे पहले बाउंड्री लिया, फिर मैं इंटरनल पोर्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर दिया, तो अभी इसको मैं अब इसके लिए रख रहा हूँ, कुछ काम आएगा मेरा, मैं बताऊंगा मेरा क्या काम आने वाला है ये। तो इसीलिए मैं स्केच को अलग से बनाया, और इसकी जो हाइट है ये आपकी अप्रोक्सीमेट आ रहा है 5 mm के आसपास ही आएगी आपकी। तो मैं इसको 5 mm के अप्रोक्स ये मैंने इसको ले आया, तो ये जो है मेरा बाउंड्री के करीब बन गई। स्केच को मैं हाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो हिंज आएंगी तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा ऐड होना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया है, अभी इसमें थोड़ा इसको मुझे आर पार करना है, यहाँ पे 2 mm मुझे बनवाना है, ठीक है। तो मैं स्केच, तो मैंने इसको काट लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे मेरा ऑलरेडी यूनिट है ही, तो यहाँ पे मैं एक रिब लेके मुझे यहाँ पे सपोर्ट, एज ए सपोर्ट काम करेंगे,
ठीक है, तो रिप सॉरी रिप नहीं बोलेंगे इसको हम, एक है लेके यहाँ पे मैं अलग से सपोर्ट करूंगा, जो असेंबली यूनिट में काम करेंगे लॉक हो जाएंगे, यहाँ पे एक अलग से प्लास्टिक आके इसमें लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें काम कर लेंगे। और जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा ये कट नहीं हुआ, शायद मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये स्केच था, तो मैं यहाँ पे आप इसमें कंट्रोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ चीज रह जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्केच को ही एडिट कर लूंगा इस केस में, तो लाइक इस तरीके से मैंने सिलेक्ट करके वन बार एंट्री करके मैंने इसको काट कर दिया थे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना पड़ेंगे बहुत साइड, आपको जैसे भी आपको लगे, जैसे इस साइड में मेरा रह गया था तो मैंने बहुत साइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको काट कर दिया थे। ठीक है दोस्तों, इसमें मेरा जो साइड में मेरा हिंज है जो यहाँ पे निकल के यहाँ पे रह जाएगी, बट ये तो रह जाएगी लेकिन मेरा प्लास्टिक तो बाहर निकल जाएगी, इसके लिए मुझे तो कुछ सपोर्ट यूनिट बनाना पड़ेगा। तो सपोर्ट यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक्स्ट्रा दो साइड में मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ, जुड़ी रहिए, तो आपको कैसे बनाने में दिखा देता हूँ, देखिए इसको। ठीक है, तो ये मेरा बन गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इसको नीचे से बनाया, क्योंकि मेरे नीचे से ही ये सपोर्ट लगेगा, आगे से तो मेरा वो लग जाएगी, तो मैं इसको एग्जिट करके इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन एक्सट्रूड कर देता हूँ, ये 5 mm बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 3 mm या 2 mm के, मैं इसको करके यूनिट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से मेरा सपोर्ट बन जाएगी जिसमें मेरा प्लास्टिक आके यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इसमें मैं एक सर आपको प्लास्टिक भी जो मेरा कंपोनेंट है वो भी मैं आपको बना के दिखाऊं, तो मैं इसको अलग से पार्ट में बनाऊंगा, इसमें मैं यहाँ पे यूनिट नहीं करूंगा। ठीक है, बाद में अगर उस पार्ट को आप अलग से अडाप्टिंग के लिए निकाल सकते हो वो भी निकाल सकते हो, वो भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हो वो भी तरीका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करता हूँ मैं, इसको मैं अलग पार्ट ही रखूंगा, इस बॉडी में मैं यूनिट बॉडी नहीं करूंगा, अलग पार्ट काउंट करूंगा, बाद में इसको मैं एज ए अदर बॉडी में मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको बताऊंगा कैसे करते हैं वो चीजें। ठीक है, तो मैं स्केच ले लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको होने के बाद, तो आप देखिए इसको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे एक एरिया ले लिया है, अब मैं इसको ऑफसेट करने वाला हूँ सारे को। ठीक है, ऑफसेट जो है मैं 0.1 का अप्रोक्सीमेट रखूंगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया अब तो यहाँ तक, अब मैंने इसको मर्ज नहीं किया दोस्तों। ठीक है, ध्यान देखना, इसमें मैंने यहाँ पे मर्ज नहीं किया, मर्ज कर दूंगा तो एक बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मर्ज नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए रखा हूँ कि मेरा ये जो प्लास्टिक कंपोनेंट है यहाँ पे भी मेरा अलग से एक सपोर्टर आएगा, जिसको टेपर में रखूंगा, तो थोड़ा सा ये गैप रखना जरूरी है। ठीक है, जब भी करना है आपको ध्यान रखना है चीजें। ठीक है, थोड़ा इतना भी ज्यादा अपना हो थोड़ा आप कम कर सकते हो, बाद में यहाँ पे ग्राफ ज्यादा लगाऊंगा, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ पे मेरा अप्रोक्सीमेट 1 mm की गैप है। ठीक है, तो आप कम कर लेना इसको जैसे आप चाहो, तो मैं दिखाता हूँ इसको, मैं कम करके दिखाता हूँ थोड़ा। तो मैंने इसकी जो ऑफसेट है मैंने इसको कम कर दिया। ठीक है, ये 0.5 के अप्रोक्सीमेट है, तो यहाँ पे इतना सड़ जाएगा। और यहाँ पे जो है मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसके ऊपर काम करूंगा, अब इसको मुझे आगे तक ले जाना है और यहाँ पे मुझे एक रिप टाइप का वो चीज लगाना है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे लगाता है। मैंने स्केच ले लिया, कंट्रोल एड कर दिया, और मेरा जो मेन टारगेट बॉडी है ये वाला है, तो इसको अगर आप काम करना चाहते हो तो इसको आप अलग कलर में डाल के भी काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। अगर ऐसे केस में काम करना है तो अलग अलग तरीका बताना जरूरी है दोस्त। ठीक है, तो इस बॉडी का मैं अलग कलर कर दूंगा, मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी में ही काम करूँ, तो मैं इसको अलग कलर कर दिया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होगा मुझे किस बॉडी में काम करना है। ठीक है, तो मैं स्केच ले लिया, कंट्रोल एड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सेंटर है, लाइक ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से मैं सेंटर रेक्टेंगल लूंगा, मैं ये वाला लूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से भी एक लाइक इस तरीके से ले सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे भी मैं, ठीक है, जिसको मैं अपने हिसाब से एडिट कर लूंगा। अप्रोक्सीमेट मैं 8 mm का लूंगा।
ठीक है, ओके है। और ये जो लेंथ रहेंगी आपकी कुछ, ठीक है, 1.5 mm की रहेंगे। सिमिलरली इसको मैं मिरर कर देता हूँ। मैं दोस्तों स्केच आपको बाद में दिखाऊंगा, ये लंबा हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी लंबा हो रहा है, तो मैंने मिरर कर दिया। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कितने mm का एक्सट्रूड है आपको पता होना चाहिए बस। तो ये जो मेरा एक्सट्रूड हो रहा है कुछ 5 mm की हो रही है, ठीक है। तो ये 5 mm के हिसाब से मैं 2 mm कम कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे कम नहीं कर रहा हूँ। 4 mm भी करूंगा फिर भी मेरा ठीक है, तो ठीक है मैं 4 mm कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने यूनिट कर दिया। अब दोस्तों मैं काम यहाँ पे मेरा ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे इसकी मुझे एनालिस कर लेता हूँ। इवैल्यूएट में जाओ आप, इसके मेजर कर लो। तो इस एज से इस एज का डिस्टेंस कितना है, 2 mm है, ठीक है। तो मैं ठीक है, मेरा याद रखना है आपको 2 mm है। और आपकी इस एज से आपकी इस एज की डिस्टेंस जो है आपकी 2 mm है। तो 2.2 का मेरा mm का मेरा वो मिल गया है। अब मैं इसको हाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मैं इसको जो है सेक्शन काट दूंगा। तो आप सेक्शन काट सकते हो अपने हिसाब से इसको, ठीक है। तो मैं इसको जो है इधर ले आता हूँ, अब जिसमें काम करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पहले आप 2x ले सकते हो, आपकी दोस्तों जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन ले लिया, तो इसको मैं अभी इसमें दोनों के बीच में एक 2x प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्केच लेके दिखाता हूँ, इस प्लान में स्केच लेके मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने बोथ साइड जो है ऐसे स्केच बना लिया है। इसको मैं एग्जिट करके बोथ 4 mm की मैं बोथ डायरेक्शन 4 mm डायरेक्शन 2, 4 mm, तो मैंने इसको ओके कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यूनिट कर दूंगा, और इसको मुझे इसको जो मुझे काटना है तो मैं इसको काट के दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो है मेरा ये बन गया है। तो ये जो यहाँ पे आके ये फंस के रह जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा ब्लेंड लगा सकते हो, थोड़ा फिलेट आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज आपकी रहेगी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, ठीक है, मैं इसको 0.1 का ब्लेंड लगा लेता हूँ, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से आप थोड़ा बहुत आप लगा सकते हो, 0.1 बहुत कम हो गई, 0.3 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इस तरीके से ब्लेंड लगा सकते हो इस केस में, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ड्राफ्ट लगा दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ड्राफ्ट भी लगाना जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो इस केस में मैं ड्राफ्ट लगाऊंगा, एक्चुअली ये जो है इंटरनल वो है, थोड़ा आपको ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट लगाने के लिए मैं 0.5 का ड्राफ्ट लगा रहा हूँ, ये स्पेस दबा के देख सकते हो ड्राफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा सा ड्राफ्ट आ गया, अच्छा ओके है। मुझे बोथ साइड लगाना है, तो मैं फेस टू में ऐसे ही मेरा स्ट्रेट आ रहा है, तो मैं इसको भी बाहर की साइड लगा लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ड्राफ्ट लगाना जरूरी है, तो इसको मैं सेव कर दिया, तो इसको मैं सेव कर लिया। अब सिमिलरली मैं आपको ये वाले पार्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जो नीचे वाला है, मैं इसको भी आपको बना के दिखाता हूँ। तब तक जब हो जाए तब मैं दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो अब मैंने दिखा दिया किस तरीके से बनाना है, मैं इसको दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं रिब भी बनाना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अलग अलग पार्ट में मैंने बनाया। तो सबसे पहले मैं इसको हाइट कर दे रहा हूँ, ये मेरा अलग पार्ट हो गई, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट यूनिट है जो मैं अलग से भी बना सकता था, तो मैं यहाँ पे भी इसको भी बना लिया, ठीक है, और मैं इसको भी बना लिया, तो तीनों में यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको जैसे भी करना है, तो मैं इसको भी शो कर लेता हूँ, तो आप इस हिसाब से असेंबली बना सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मेरा मेन काम जो था, मेरा अलग अलग जो यूनिट था वो मेरा बन गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट डिजाइन किया था, ये मेरे हाथ के सामने है, तो इसको मैं यहाँ पे असेंबली कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो रीब है, जहाँ पे आपके स्क्रू लगेंगे, जहाँ चीजें लगेंगे ना, तो वो आपको बनाना है, ठीक है, तो वो भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर ब्रेंडिंग वेंडिंग करना है तो वो भी ब्रेंडिंग कर सकते हो। ये मेरा इंटेक्स का है, ठीक है, तो आप बना सकते हो आपके हिसाब से आपको सही लगे, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट जो इंटेक्स किया तो नॉलेज डिजाइन पे है, मैं बस कैसे नेमिंग करते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया यहाँ पे। अब इसको जो है मैं यहाँ पे वेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज इट इज करूंगा, सरफेस सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो वैसे ही रहने दूंगा मैं। तो लाइक इस तरीके से मेरा नेमिंग का आप डाल सकते हो। फिर इसके अंदर आप कलर करना चाहते हो तो आप जाके कलर मॉड्यूल से आप कलर कर दो, जैसे भी आपको सही है। मैं फेस में करना चाह रहा हूँ इसकी, तो आप एक एक करके आप सारे के इनसाइड से ले कर सकते हो जितना आपको सही है। तो मैं इसको जो है एज ए वाइट में रखना होगा। तो मैं आप इस तरीके से इसकी नेमिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है एक कैपिटल में आते हैं, बाकी इसको स्मॉल में आता है। तो मैं ऐसे ही रख दिया मैंने अपने हिसाब से, मैं आपको बताना था कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर की रिब बनाता हूँ। तो पहले जो है मैं इसकी जो मेरा अंदर का जो मेरा रिब है, कहाँ का रिब है मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी आपको डिजाइनिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए वो सबसे पहले मुझे स्केच लेना है। ठीक है, तो मेरा जो स्केच रहेगा कुछ पहले मैं यहाँ वाला का कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का सरफेस अलग होगा, यहाँ का सरफेस अलग होगा। तो मैं पहले यहाँ वाला कर लूंगा, यहाँ स्केच ले लूंगा, आपको करके दिखाता हूँ। तब तक जब तक मैं 2D बना लूँ तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, जिसको स्केच बनाना है वो बना सकते हो, देख लेना डायमेंशन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, तो मैं इसको स्केच से एग्जिट कर लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया। तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट करने से अच्छा डायरेक्ट आप स्केच को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, हम हाइट एक बार देख लेते कितना हाइट आपको लेना है। ठीक है, तो जो हाइट रहेगा मेरा अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास रहेगा ये। ठीक है, तो मैं इसको 20 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे मेरा जो ये बन गया। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा ना जो इंटरनल पार्ट होती है, थोड़ा सा हम इसमें वो लगाएंगे। और इसके साथ आपको यूनिट कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे मार्च बोटी ऑनली इसके साथ करूंगा मैं। ठीक है, तो 1 mm का मैं यहाँ पे ड्राफ्ट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे आपकी सारी कुछ जो वो होती है ना टेप वगैरह लगाना होता है, वो भी लगाऊंगा मैं, आप देखना कैसे कैसे लगाते हैं। तो पहले मैं सारे का काम खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे लगाना है वो भी आपको।
जी
ठीक है। तो ये जो है आपकी हो गया है, यहाँ पे मैंने कर लिया हूं, ठीक है। आप देख पा रहे हो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो ये पूरा कवर हो गया है मेरा इसमें। तो इसकी मोल्डिंग वोल्डिंग भी मैं दिखा लूंगा जैसे ये खत्म हो जाएगी, पूरा यूनिट जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये रहा पूरा यूनिट, मैंने आपको दिखाया, हाइट करके भी दिखाया कैसे अलग अलग बनाते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और इसको मुझे यूनिट करना पड़ेगा, ये यूनिट नहीं है, तो इसको जो है मैं यूनिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप लेके ये बोली आप सिलेक्ट करके सबको यूनिट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत तरीका होता है, टॉप डाउन असेंबली बॉटम डाउन असेंबली करके भी कर सकते हो, ठीक है। पहले पहला सॉलिड बना बना के भी आप कर सकते हो, जैसे जीरो थिकनेस है तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे तरफ एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे सरफेस मैटिंग टच नहीं हो पा रही है ना, तो कई सेक्शन टच हो रहा है कई नहीं हो रहा है, इस केस में होता है। इसको आपको क्या करोगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे, फिर उसी हिसाब से करोगे, ठीक है। तो उसको मैं करके दिखाता हूँ आपको भी। तो यहाँ पे मैंने कॉम्बाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये भी होगी, तो यूनिट करके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।